अस्सलाम वालेकुम, ये आपको लहसुन नज़र आ रहा होगा छिला हुआ, ये आज सुबह सुबह ही हमने छीला है। और सबने मिल के एक एडवांटेज ये कि सबने मिल के एक काम किया, और दूसरी एडवांटेज ये कि ये सेव रहेगा। आज हम आपको इसको सेव करने का तरीका बताएंगे। बहुत सालों तक हमें भी ये टेंशन रहती थी कि कुछ ऐसा हो कि लहसुन सेव हुआ हुआ हो, क्योंकि इमरजेंसी कभी को खाना बनाना हो तो वो सेव नहीं रहता था, जीभ में उसमें से कुछ स्मेल सी आने लग जाती थी। लेकिन ये जो तरीका है साला साल से मैं यूज़ कर रही हूँ और बहुत अच्छा तरीका है, इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ। लहसुन छिला हुआ, अब इसको मैं उसमें ग्राइंड करूँगी। देखिए, मैंने चॉपर में इसको पीस लिया है। 1 किलो लहसुन था मेरे पास, और इसका फ़ायदा बहुत फ़ायदा है वर्किंग वूमेन के लिए भी, और बच्चियाँ भी लहसुन छीलने से थोड़ी घबराती हैं। तो ये अगर सारे घर के लोग बैठ के एक तो ये गैदरिंग के बातें कर ली, और इसमें मेल भी हिस्सा ले सकते हैं, तो हमारे घर में तो यही होता है, और मैं चाहती हूँ कि सारे घरों में ऐसा हो कि हम लोगों ने ये सुबह बैठ के सारा लहसुन छील लिया, और अब ये फ़ायदा है। और इसमें लहसुन ख़त्म हो जाएगा लेकिन इसकी ताजगी नहीं जाएगी, ये बहुत फ़ायदेमंद है। और ये मैंने एक इसका सिरका डाला है, विनेगर, और ये अब मैं इसमें ऑयल डालने लगी हूँ। यही 1 कप भर के इसमें मैं ऑयल डालूँगी। ये लीजिए, ये देखिए 1 कप ऑयल। अब इसको अच्छे से मिक्स करके, और फिर मैं इसको कोई भी जो आपके पास जार है अच्छा सा उस ढक्कन वाला, उसमें डाल के आप फ्रीज़र में रखें या फ्रिज में रखें, दोनों में ख़राब नहीं होगा। मैं हाफ जो है वो फ्रीज़र में रख देती हूँ, और हाफ जो है वो फ्रिज में रख लेती हूँ, ताकि वो नरम सा हो और यूज़ करने में आसानी हो। बहुत आसानी हो जाती है इससे, और बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। छोटी सी टिप है लेकिन बहुत काम की है। मिक्स करके मैंने जार में डाल दिया है। ये 2 जार कंप्लीट बने हैं मेरे माशाल्लाह से, और बहुत आसानी हो जाती है सब ये काम करें, और बहुत ताज़ा लहसुन है। और इसी तरह बिल्कुल सेम एज इट इज़ यही तरीका है, अदरक भी आप सेव कर सकते हैं। दोनों चीज़ों को प्लीज़ मिला के ना कीजिएगा, क्योंकि किसी चीज़ में लहसुन डलता है और अदरक नहीं डलती, और कभी कभी दोनों में एक साथ, तो फिर आप अलग अलग भी करें ताकि फ़ायदा भी हो।